हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस ठंडी ठंडी सुबह हम गरम गरम चाय पियेंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक समथिंग रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ केटल एंड अ कप। तो ये रहे मेरे टेम्पलेट्स। ये मैंने ऑनलाइन जस्ट गूगल करके और ये टेम्पलेट्स प्रिंट आउट निकाले हैं। और ये थोड़ा थिक पेपर है जिसपे कि कार्ड स्टॉक पेपर जिसपे कि मैंने ये अपना प्रिंट्स निकाले हैं। और अब इनको मैं यूज़ करूँगी फॉर मेकिंग वन ब्यूटिफुल केटल एंड अ कप। ये एक नॉर्मल सा कार्डबोर्ड है जो आपके कार्टन बॉक्सेस आते हैं, वो कार्टन बॉक्स है। और मैंने इसमें आइसक्रीम स्टिक इसलिए लगाई है ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे और ये बेंड ना हो। तो ये मैंने जो टेप लगाया है ये है पेपर टेप, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। आप ये देखो, अब ये बेंड नहीं होगा। तो ये स्टिक लगाने से आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको आराम से स्टिक कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप पूरे पे भी लगा सकते हो, तो थोड़ा सा एम्बॉस्ड लुक आएगा। तो अब हम इसको करेंगे डेकोरेट। ये मैंने लिया है वॉल पुट्टी, और ये वॉल पुट्टी जो है इसमें सीमेंट है। इट्स अ सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल प्लेन वाटर ऐड करना है, टैप वाटर, और उसको धीरे धीरे ऐड करते जाओ और मिक्स करते जाओ। और ये बन गया इसका डो। तो ये डो बनाने के बाद मैंने इसमें वेट किचन टॉवल लगा के रखा है सो दैट ये एकदम से सूख ना जाए, क्योंकि जैसी हवा लगेगी ये सूख जाएगा। अब मैंने जो ये टेम्पलेट्स कट आउट किए हैं, मैं इसके ऊपर ये वॉल पुट्टी बेलने के बाद, आफ्टर रोलिंग इट, आई एम गोइंग टू स्टिक इट ऑन दैट टेम्पलेट। आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम वन ऑफ द Pinterest account. They didn't show me the way of making it. उन्होंने मुझे ये तो दिखाया नहीं था कि कैसे बनाना है, मगर वहाँ पर मुझे एक डिज़ाइन बड़ा पसंद आया वॉल हैंगिंग का, तो आई जस्ट डिसाइडेड टू मेक दिस। अभी ये आप इसको बनाते जाओ और जितना बड़ा ये बनता जाएगा फिर आप उसको कटिंग कर दोगे चारों तरफ से। एक्चुअली इसमें स्टिक करने के लिए इफ़ यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई सम फेविकॉल, बट मैंने सिर्फ प्लेन वाटर लगाया है और उससे भी मेरा काम हो गया। तो चाहिए तो आप फेविकॉल लगा सकते हो, बट मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जस्ट ऐसी सिंपली इसको प्लेन वाटर लगाया और ये पुट्टी को ऊपर से लगा दिया स्लोली प्रेस करके, तो ये चिपक गई। तो अब मैं इसको धीरे धीरे प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद टर्न करके जो एक्स्ट्रा है उसको आप चाहे तो कट कर दो, नहीं तो आप उसको पीछे की तरफ टर्न करके स्टिक कर दो, वॉट एवर वे यू वॉन्ट। क्योंकि मैंने पानी लगा के चिपका रही हूँ इसलिए मैं इसको वापस टर्न कर रही हूँ, आई एम नॉट कटिंग इट ऑफ। अगर आप इसमें फेविकॉल लगा रहे हो तो आप कट करके अलग भी कर सकते हो, क्योंकि वो वैसे भी कार्डबोर्ड पे चिपका हुआ रहेगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम स्टिकिंग इट ऑन द बैक साइड। एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। मैंने ऐसा कभी बनाया नहीं है, हिट एंड ट्रायल है, मगर टचवुड बहुत ब्यूटीफुल बना है और इतना सुंदर लग रहा है। इफ़ यू हैंग इट ऑन योर वॉल तो अमेजिंग लग रहा है। तो इसको धीरे धीरे आप ऐसे प्रेस करके स्टिक कर दो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है पुट्टी है आप चाहे तो उसको निकाल के दोबारा यू रीयूज कर सकते हैं और बचे हुए एरिया पे लगा सकते हो। अदरवाइज आप और बना लो डो और उसको स्टिक कर लो। तो बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा जो आपका टेम्पलेट है उसको कवर करना है वॉल पुट्टी से। तो अब मैं स्टिक करूँगी केटल पे एंड सेम प्रोसीजर, पानी अप्लाई कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं उसको वॉल पुट्टी को लगा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है इसमें तो मैंने कट कर दिया है, और बाद में लगाने के बाद उसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके तो एक्स्ट्रा पुट्टी जो है और बनाई मैंने थोड़ी सी, उससे मैंने जो है उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना दिए और ये मैंने यहाँ पे चिपका दिया। वो आपके ऊपर है, दैट इज़ ऑल योर क्रिएटिविटी। अब आप इसको छोड़ दोगे 24 आवर्स फॉर ड्राइंग। और मैंने जब थोड़ा सा ड्राई हो गया था तो मैंने इसमें होल कर दिए थे, और ये मैंने अप्लाई किया है ब्यूटीफुल सा इमेज ट्रांसफ़र शीट। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके। ऑलराइट, अब मैं ड्राई ब्रश से इसको स्प्रेड कर रही हूँ एंड उसमें कोई बबल्स होगा तो वो निकल जाएगा, और इसको मैं छोड़ दूँगी पूरी तरह से कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए। मैंने इसमें आउटलाइन दी है अपने चॉक पेंट से, जो पिंक आपको दिख रही है वो मैंने चॉक पेंट से आउटलाइन दी है। अभी ये कप के ऊपर भी मैंने सोचा कि कुछ क्यूट सा स्टिक करूँ, तो ये ऐसा लगेगा स्टिक होने के बाद।
और अब मैं इनको ज्वाइन करूँगी, और ज्वाइन करने के बाद ये लगेगा ऐसा। इसमें मैंने ज्वाइन किया है वायर से, और वायर के नॉट्स को कवर करने के लिए मैंने यूज़ किया है गोल्डन रिबन। तो ये हैंग करने के बाद ऐसा लगेगा। इसको आप जब हैंग करोगे तो ये ऐसा ब्यूटीफुल सा लुक देगा। आई जस्ट लव्ड इट। और इसके बैक साइड को मैंने फिनिशिंग देने के लिए ये मैंने इसमें फोम शीट्स लगाई हैं। एक्चुअली मैंने फेल्ट शीट लगाई हैं। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ येस देन डू गिव अ थम्स अप टू माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।